अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो चैप्टर नंबर 3। एक बात याद रखें, चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, 2 कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे, सर लिमिटिंग रिएक्टेंट। मैंने लिमिटिंग रिएक्टेंट का थोड़ा बहुत आपको हिस्सा पढ़ाया था, लेकिन वो ना होने के बराबर था। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे, आप बेफिक्र रहें। लास्ट जब फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होगा, जब न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट भी पढ़ लेंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट का ताल्लुक यस स्टोइकोमेट्री से। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपकी रिवाइज भी हो जाएगी, तो ऐसा तो कोई मसला ही नहीं है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट भी करेंगे। परेशान क्यों होते हैं, बहुत सारे बच्चे मैसेज करके कहते हैं सर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया, गैसेस पढ़ लिया, सॉलिड पढ़ा, और तीसरे उसके बाद लिक्विड भी पढ़ लिया। शीट्स मैंने आपको सबकी सब सेंड कर दी, चैप्टर नंबर 1 की और 2 की भी। अब आपके पास कितनी शीट्स हो गई बेटा, 13 शीट्स आपको मिल चुकी हैं। कितने चैप्टर्स की, 2 चैप्टर्स में से 13 शीट्स आपको मिली हैं। ठीक है, अब बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 3 और 4 केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर काउंट होते हैं। किसमें, इंट्रोडक्शन में बेटा। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री बेटा। चैप्टर का नाम आपको पता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है ये कितने पोर्शंस में डिवाइड है, 3 पोर्शंस में। नंबर 1 पोर्शन क्या है, डिस्कवरीज, जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एक्सरेज, ये सारे टॉपिक्स हैं, बोहर थ्योरी। सेकेंड पोर्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थर्ड पोर्शन है बेटा एनर्जीज। तो बच्चों हम सबसे पहले जो पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम एनर्जीज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्कवरीज। आई थिंक सो क्लियर। तो बेटा अब हम फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन। बहुत ही आसान सा पोर्शन है, ठीक है, टेक्निकल है, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसके अंदर मेन टॉपिक कौन सा है बेटा, क्वांटम नंबर। कौन सा है, क्वांटम नंबर भी है, एन प्लस एल रूल, हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एंट्री टेस्ट। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक लेक्चर में अपने पास से आपको समझाना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि बेटा मैं यहां लिखता हूं शेल, शेल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ऑर्बिट। तीसरा एनर्जी लेवल, ठीक है बच्चों, एनर्जी लेवल। ओके, शेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। नंबर 2, सब शेल, ऑर्बिटल, सही है, और सब एनर्जी लेवल। इसको समझे बच्चों, चैप्टर 3 में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए शेल और सब शेल के दरमियान का डिफरेंस। क्या पता होना चाहिए, शेल और सब शेल के दरमियान का डिफरेंस। पहले तो हम ये देखते हैं बेटा शेल कौन कौन से हम पढ़ते हैं नॉर्मली, के शेल, एल, एम और एन शेल की बात हो रही है बच्चों। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। L में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पता है 8। M में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बच्चों, 18। N में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 32। अच्छा हम याद करते हैं, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, L में 8 क्यों हैं, M में 18 क्यों हैं, क्वेश्चन मार्क। पता तो हो ऐसा क्या रीजन है। अगर हम सब शेल की बात करें, सब शेल कौन कौन से हैं, सब शेल होते क्या हैं भाई, हम कहते हैं हम कब से पढ़ते आते हैं एस पी डी एफ, ये सब शेल्स हैं। है क्या सब शेल,
देखो बेटा, हमें बजाहिर तो देखें शेल नजर आता है, ये न्यूक्लियस, मैं कहूं आपसे ये शेल है, बजाहिर तो हमें शेल नजर आ रहा है, सब शेल तो नजर नहीं आते, सही है, हमें नजर क्या आ रहा है, शेल नजर आ रहा है, सब शेल नजर नहीं आ रहा, दिल की आंखों से देखे नजर आ रहे हैं कोई, नहीं आ रहे, चलो देखो उधर, सब शेल होते क्या है बच्चों, याद रखना, जैसे मैं आपसे कहूं एटम से मिलकर क्या बना है, एलिमेंट, सही है, बायो वाले क्या कहते हैं, सेल से मिलकर क्या बना है, टिश्यू, ठीक है, मैं अगर आपसे कहूं बेटा ये जो वॉल है, ये वॉल किससे मिलकर बनी है, बनी है ब्रिक से, वॉल किससे मिलकर बनी है, ब्रिक्स, ऐसा ही है, रेडीमेड तो नहीं लाके लगाई ना घर में, ब्रिक्स से मिलकर बनी है, लेकिन हमें वॉल नजर आ रही है, ब्रिक्स नजर नहीं आ रही, हमें शेल नजर आ रहा है, सब शेल नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें पता है कि ये वॉल किससे मिलकर बनी है, ब्रिक्स से मिलकर बनी है, इसी तरह बेटा ये शेल किससे मिलकर बना है, सब शेल से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, सब शेल से मिलकर बना है। जैसे मैं आपसे कहूं बाहर खड़े होकर किसी घर को देखें, घर नजर आ रहा है, लेकिन घर के अंदर क्या है, रूम्स हैं, रूम्स नजर आते हैं बाहर से नहीं, अंदर जाएं तो नजर आएंगे, इसको भी दिल की आंखों से देखें, अंदर शैल नजर आ जाएंगे, सब शैल नजर आएंगे, बहरहाल तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर खड़े होकर देखें तो क्या है, हमें घर नजर आ रहा है, अंदर रूम्स होंगे ना, अगर रूम्स नहीं होंगे, हॉल होगा तो शादी हॉल कहलाएगा, लेकिन घर किससे मिलकर बना है, रूम से, सही है भाई, एक बात बताएं, किसी कॉलेज के बाहर खड़े हो गए, कॉलेज नजर आ रहा है, लेकिन अंदर क्लासरूम से ना, क्लासरूम से मिलकर कंप्लीट एक कॉलेज बना है, हॉल तो नहीं होगा अंदर, सही है, इजलास तो नहीं होना, तो इसी तरह से बेटा अंदर सब शेल है और सब शेल से मिलकर क्या बना है, शेल बना है, बहरहाल, और वो कौन कौन से सब शेल है, एस पी डी एफ। अब हम ये कहते हैं एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, टू, P में 6, D में 10, F में 14, ये आते हैं इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, रीजन क्या है, अब ये भी MCQs में आ सकता है बच्चों, S सब एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन ही क्यों आते हैं, क्या वजूहत है इसकी, तो इसकी वजूहत यह है, याद रखना बेटा, ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, हर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, आज के बाद याद रख लेना भाई। एक बाइक है, कितने पर्सन के लिए बनाई गई है, एक बाइक जो है कितने पर्सन के लिए बनाई गई है बच्चों, जल्दी से बताओ, 2 है, सपोज कर लेते हैं, अब आप बोलेंगे सर सपोज क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर 8-8 लोग बाइक पे बैठ के जा रहे होते हैं, 4 बच्चे टैंकी में 4 लटक रहे होते हैं, 8-8 होते हैं, सही है, हमने इसलिए वर्ड यूज कर लिया सपोज, ठीक है, एक बाइक कितने पर्सन के लिए बनाई गई है, सपोज करते हैं 2, अब 2 लोगों को कहीं जाना है, कितनी बाइक्स होंगी, 1, 6 लोगों को कहीं जाना है तो बाइक कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 3, 10 पीपल्स को कहीं जाना है तो बाइक कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 5, और 14 पीपल्स को कहीं जाना है तो बेटा बाइक कितनी रिक्वायर्ड होंगी, 7। इसी तरह से अगर मैं कहूं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन को कहीं घूमने जाना है, मौसम अच्छा है, बरसात का है, तो कितनी बाइक रिक्वायर्ड होंगी, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 बाइक रिक्वायर्ड होगी, मतलब एस में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि रूम 1 है, और अकॉर्डिंग टू रूल ईच ऑर्बिटल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक रूम में, हर एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो मतलब यहां पर एस में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए है क्योंकि वहां पर ऑर्बिटल 1 है, रूम 1 है इसलिए वहां पर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, समझ आ गई, इसका मतलब पी में 6 इलेक्ट्रॉन है, अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो कितने रूम्स होंगे, रूल के मुताबिक एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 3 ऑर्बिटल होंगे यहां पर, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। डी में अगर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो रूम्स कितने होंगे, जल्दी से रूम कितने होंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, हो गए 10।
F में कितने और इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7 ओ सॉरी 14. तो रूम्स कितने होंगे F में? 7 1 2 3 4 5 6 7 और हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा 14. बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा, हर एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते. तो इंट्रोडक्स के लिए याद कर लें, अगर आपसे पूछा जाए एस सब एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2. एस में दो इलेक्ट्रॉन क्यों है? क्योंकि वो एक ऑर्बिटल पे कंसिस्ट करता है, एक रूम पर. पी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 6. पी सब शेल कितने ऑर्बिटल पे कंसिस्ट करता है? 3. ओरल याद कर लें. डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 10. और रूम्स कितने हैं? 5. एफ में बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14. और रूम्स कितने हैं बेटा जल्दी से? 7. ओके क्लियर? ठीक है. अब अगली बात हमने कही थी, ऑर्बिटल से मिलकर क्या बना है? ऑर्बिट कहा था ना, मतलब ये शेल्स हैं. शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल. सही है. अब इसको प्रूफ करते हैं, और दूसरा इस बात को भी प्रूफ करते हैं के में दो इलेक्ट्रॉन क्यों हैं. क्योंकि बेटा ये जो के शेल है, ये जो फर्स्ट वाला शेल है के, ये एस से मिलकर बना है बच्चों. किससे? एस से मिलकर बना है. एस में दो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए के में भी दो इलेक्ट्रॉन है. याद रखना, एल जो है बेटा, याद रखना, एस और पी से मिलकर बना है. एस और पी से मिलकर बना है. एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन. कितने हो गए बेटा? 8. भाई एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं कह रहा हूं ये मेरे पास, हमारे पास ये वॉल है, सही है, छोटी वॉल है, 5x5 ही, 5x5 की. अगर ये 100 ब्रिक्स से मिलकर बनी है, सामने जो वॉल है ये 10x10 की है, ये 500 ईंटों से मिलकर बनी है, 500 ब्रिक्स से, क्या रीजन होगा? आप बोलेंगे सर साइज बड़ा है, इसलिए इसमें ब्रिक्स ज्यादा है, इसमें ब्रिक्स कम है. तो बेटा फर्स्ट शेल का साइज कम है, सेकंड शेल का साइज ज्यादा है, थर्ड शेल का साइज और ज्यादा है. जितना शेल का साइज ज्यादा होगा उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होंगे. जितना शेल का साइज ज्यादा होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी ज्यादा होंगे. ठीक है, 2+6 कितने हो गए बेटा? 8. अब M किससे मिलकर बना है बच्चों? याद रखना, M जो है वो किससे मिलकर बना है? S P D से. यस, S P D से मिलकर बना है. S P D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? यस, 18. टोटल काउंट करें तो 18 आ रहा है. देखें, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, हो गए 18. N किससे मिलकर बना है? लाजमी सी बात है, S P D F से मिलकर बना है. 2, 6, यस बेटा, 10 एंड 14. सबको सम करें, 2 and 6, 8, 8 एंड 10, यस बेटा, 18, 18 एंड 14, 32. क्लियर हो गई बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इस अगर आपको ये टॉपिक आता है तो आपको इस चैप्टर का हर टॉपिक समझ में आ जाएगा. एक चीज और, हमारे पास कैसे याद होना चाहिए टॉपिक, देखें फिर सुन लें. आपको ऐसे ओरल याद हो, फर्स्ट शेल कौन सा है? के. के में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 2. के किससे मिलकर बना है? एस. के कितने ऑर्बिटल पे कंसिस्ट करता है? अब के में इलेक्ट्रॉन कितने? 2. तो ऑर्बिटल उसका हाफ होगा, 1. एस कितने ऑर्बिटल पे कंसिस्ट कर रहा है? 1 है ना. तो के कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना है? 1. अगर ऑर्बिटल पूछे तो बता देना. जैसे फिर रिपीट कर रहा हूं, समझ नहीं समझ आया फिर रिपीट कर रहा हूं. ये एल है ना, सेकंड शेल. अगर आपसे पूछे एल में इलेक्ट्रॉन कितने? 8. अगर ये पूछे एल जो है कौन कौन से ऑर्बिटल से मिलकर बना है, तो एस और पी. एल कितने ऑर्बिटल पर कंसिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन कितने? 8. तो इसका हाफ क्या होगा? 4. 4 ऑर्बिटल से मिलकर बना है. अब वो 4 कैसे? एक ऑर्बिटल एस का, 3 ऑर्बिटल पी के. लेकिन ये याद क्यों कर रहे हैं? जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ ऑर्बिटल होता है. जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ, भाई जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका हाफ ऑर्बिटल. मैंने कहा था ना, जितने रूम होंगे उसका डबल इलेक्ट्रॉन, यूं कह दो. एक रूम है तो 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एम शेल में इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? 18. M किससे मिलकर बना है? S P D F से. दूसरा MCQ, M में कितने ऑर्बिटल हैं?
इलेक्ट्रॉन 18 है तो इसका हाफ कर दो, क्या हुआ, 9 रूम्स हैं, 9 ऑर्बिटल हैं। एन शेल जो बेटा किससे मिल, एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 32। एन किससे मिलकर बना है, एसपीडीएफ से मिलकर बना है। एस अच्छा, एन में ऑर्बिटल्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन 32 है तो ऑर्बिटल क्या होगा, 16। एस में इलेक्ट्रॉन 2, ऑर्बिटल 1। पी में इलेक्ट्रॉन 6, ऑर्बिटल उसका हाफ 3। डी में और इलेक्ट्रॉन 10 और ऑर्बिटल 5। एफ में इलेक्ट्रॉन 14 तो ऑर्बिटल 7। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बहरहाल इसको मैं मिटा देता हूं। आई थिंक आप देख लें, लिख लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दूं इसको। तो बेटा अब इसका सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, और आप समझते हैं कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर लिखते हैं बेटा क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें तो क्वांटम वर्ड की मीनिंग क्या है, ये तो पता हो आपको। वर्ड जो क्वांटम है इसकी मीनिंग है शेल। तो बात किसकी हो रही है, नंबर ऑफ शेल की। मतलब क्वांटम नंबर का मतलब भी क्या हुआ, नंबर ऑफ शेल। मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, शेल की बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है भाई। एक देखते हैं यहां पर, एक बात मुझे बताएं कि हम ये देखते हैं कि मतलब इस टॉपिक में भी हम बात किसकी करेंगे, शेल की। हम ये कहते हैं एटम तो हम पढ़ चुके हैं, एटम के अंदर क्या होता है बेटा, एटम के अंदर हम कहते हैं शेल होता है, ठीक है। शेल के अंदर क्या होता है बेटा, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स। और उन ऑर्बिटल्स में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। देखें इस तरह पढ़ा रहा हूं आपको, मतलब क्वांटम नंबर में हम डिस्कस किसके बारे में करते हैं, यस शेल्स के बारे में। क्वांटम नंबर मींस नंबर ऑफ शेल। अब हम ये कह रहे हैं एटम के अंदर क्या है, शेल है। शेल के अंदर क्या है, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बच्चों याद रखना के शेल के लिए जो हम पढ़ते हैं उसको कहा जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, पहले तो मैं थोड़ा इंट्रो पढ़ाऊं आपको। सब शेल के लिए जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसे कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। थोड़ा समझें, ये टॉपिक हमारी बुक में इतना ज्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ, मिला के लिखा हुआ है। ऑर्बिटल्स के लिए जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन के लिए जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसको कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है बच्चों, तो हमेशा याद रखना ये जो हम टॉपिक पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, फर्स्ट एमसीक्यू सबका मैंने आपको बता दिया। पहले क्या कहा मैंने, क्वांटम नंबर जो टॉपिक है इस वर्ड की मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ शेल। बात किसकी हो रही है, शेल की बात हो रही है, क्वांटम नंबर एटम की बात हो रही है। लेकिन स्पेसिफिक शेल्स के लिए जो टॉपिक पढ़ा जाता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब शेल्स के लिए टॉपिक, इसका मतलब एजीम्यूथल में किस बात, किस चीज का जिक्र होगा, सब शेल्स का। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में किस चीज का जिक्र होता है, ऑर्बिटल्स का। और स्पिन क्वांटम नंबर में किस चीज का जिक्र होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। याद है, क्लियर, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। अब हम एक एक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, मिटा दूं उसको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फर्स्ट है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते किसको हैं? नंबर वन, बहुत ही आसान, अपने लफ्जों में याद करें, हमें कोई बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं है, हमें अपने लिए इंट्रो टेस्ट के लिए याद करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको कह रहे हैं, इट इज
रिप्रेजेंटेड बाय, जल्दी से बेटा, बाय एन। और एन क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ शेल, के एल एम एन और इनफिनाइट। ठीक है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि तो बहुत ही आसान सी बात हो गई, यूं भी लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 4 शेल्स को यूं भी लिखते हैं ना। तो बेटा ये तो ये हुआ कि के एल एम एन शेल को ही नाम दिया जा रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए क्वांटम मींस तो शेल है, ये तो पता है, लेकिन प्रिंसिपल शेल मतलब प्रिंसिपल जो वाजे नजर आए बड़े शेल्स हैं, उन्हें नाम क्या दिया जा रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसको? के एल एम एन शेल को। मतलब कोई मुश्किल नहीं हुआ हमें, सिंपल हो गया। के एल एम एन शेल का दूसरा नाम क्या रख दिया हमने? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। तीन एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइट डाउन लिखें यहां से। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से हम तीन चीजें डिस्क्राइब करते हैं बच्चों। नंबर वन, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर टू, डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम। समझ आई? डिस्क्राइब द साइज ऑफ एटम। और नंबर थ्री, डिस्क्राइब द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हम प्रिंसिपल, बच्चों याद रखना यही एमसीक्यूज हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वजह से क्या फाइंड करते हैं? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलेंगे सर पोजीशन कैसे? भाई अगर मैं आपसे कहूं सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहता है तो आप क्या कहोगे? सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। पोजिशन बता रहे हो ना उसकी, वैलेंस में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 1। पोजीशन बताई ना आपने बेटा, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये शेल्स नहीं होते KLMN, तो क्या आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता देंगे? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 1? नहीं। साइज ऑफ एटम, मैं कहूं बेटा लिथियम और सोडियम में एटॉमिक साइज किसका ज्यादा है? जब भी आप शेल बनाओगे आप कहोगे सर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, न्यूक्लियस फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 1। अगर मैं कहूं बेटा सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओगे, सोडियम कहोगे सर फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 1। आप कहोगे सोडियम का एटॉमिक साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिथियम, कहोगे ना ऐसा? बात समझ आई? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये शेल नहीं होते तो हम एटॉमिक साइज भी डिस्क्राइब नहीं कर पाते, शेल्स की वजह से करते हैं। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शेल की वजह से, क्योंकि हम ये कहते हैं जितने ज्यादा शेल होंगे, या यूं कह दे जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, उतना एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। तो हम यूं शेल हैं, जब ही तो कहते हो कि फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ज्यादा है। बात तो केएलएम की आ रही है, अगर ये शेल नहीं होते तो बात ही नहीं होती यहां पर। समझ आ गई बेटा? तो आज के बाद तीन एमसीक्यूज क्या कहा मैंने? डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ एटम एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? फर्स्ट मिटा देता हूं उसको। सेकंड हम कहते हैं बेटा यहां पर है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्वांटम, हाँ बेटा, तो सेकंड हम यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का क्या कहेंगे बेटा? कितने एमसीक्यूज बन सकते हैं? नंबर वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, स्मॉल एल, सही है। नंबर टू क्या कह सकते हैं? डिस्क्राइब द शेप ऑफ, डिस्क्राइब द शेप ऑफ सब शेल।
क्या फाइंड करते हैं? डिस्क्राइब द शेप ऑफ सबशेल। अच्छा याद रखना, एज इम्यूजुअल क्वांटम नंबर में हम SPDF की शेप डिस्क्राइब करते हैं। हर क्वांटम नंबर में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 3 चीजें डिस्क्राइब हुई और एज इम्यूजुअल क्वांटम नंबर में सिर्फ एक चीज, क्या? डिस्क्राइब द सबशेल। और बेटा याद रखना तीसरी बात, एल जो है एज इम्यूजुअल क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन N. मतलब ये भी एक MCQs याद रखना, as immutable quantum number किस पर depend करता है? Principal quantum number पर। Principal quantum number किसी पे भी depend नहीं करता, लेकिन as immutable quantum number depend कर रहा है principal पर। क्यों? क्योंकि इसका formula भी note कर लें, N minus 1 है बच्चों। क्या है? N minus 1 है। अब कैसे निकालेंगे देखें, मैं अगर यहां लिखता हूं बेटा SPDF, ठीक है, SPDF, ये इनका N नंबर है। N का मतलब नंबर ऑफ शेल भी होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी होता है, नंबर ऑफ सब शेल भी होता है। फर्स्ट नंबर पर S है, सेकंड पे P है, थर्ड पे D और फोर्थ पे F। अब मुझे इनकी L वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा? N माइनस 1। तो N माइनस 1 का मतलब ये हो गया कि इसकी N वैल्यू क्या है SPDF की? N वैल्यू यहां लिख देता हूं, इसकी N वैल्यू मैंने क्या कहा? 1, 2, 3, 4, ठीक है, या यहां ना लिखे, आगे लिख देते हैं हम, कोई मसला नहीं है, आपको समझ में आ जाए। इसकी S वैल्यू 1, 2, 3, 4। S नंबर 1 पर है 1 लिखा, P नंबर 2 पर है 2 लिखा, D नंबर 3 पर 3 और F 4 पर। फॉर्मूला N माइनस 1 है, तो L वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? N माइनस 1। तो बेटा 1 माइनस 1, S की L वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो S की L वैल्यू निकालने के लिए उसकी N वैल्यू क्या है? वहां पे क्या लिखी हुई है? 1। तो 1 माइनस 1 क्या हुई? 0। P की L वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो 2 माइनस 1 क्या हुई बेटा? 1। D की L वैल्यू 3 माइनस 1? 2। F की L वैल्यू क्या होगी फिर? 3। 1 माइनस करते जाएं। तो ये याद रखना L वैल्यू काम आएगी और ये कांस्टेंट है। आज के बाद याद रखना S की L वैल्यू 0 और P की 1, D की 2 और F की 3, मतलब एक नंबर उसमें से कम किया है हमने। क्लियर हो गई? अच्छा बच्चों, S जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म किसका है? शार्प, ये भी याद रखना। P जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है? प्रिंसिपल। D किसका शॉर्ट फॉर्म है बच्चों? डिफ्यूज। और F फंडामेंटल। ठीक है बच्चों, नंबर एक और चीज याद रखना, S ऑर्बिटल की जो शेप है वो क्या है? स्फेरिकल। S की शेप क्या होती है? स्फेरिकल। P की डंबल, D की डबल डंबल, ये याद रखना। हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड में सिर्फ S और P की शेप लिखी हुई है, स्फेरिकल एंड डंबल, इन दोनों की नहीं लिखी हुई, इसकी डंबल और इसकी डबल डंबल। सही है, D की क्या है? डबल डंबल। और F की क्या है बेटा? सॉसर लाइक शेप, सॉसर शेप होती है इसकी, सॉसर लाइक शेप होती है, याद रखना। ये दोनों हमारी बुक में नहीं लिखी हुई, फेडरल की बुक में लिखी हुई है। बहरहाल ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपने थोड़े थोड़े मैंने पॉइंट लिखे हैं, याद हो गया होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? मिटा दूं सारा टॉपिक। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थर्ड क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बहुत आसान है, क्या कहा था? ये टॉपिक किसके लिए पढ़ा जाता है? ऑर्बिटल्स के लिए। लिखा था ना पहले हमने। अब फर्स्ट टॉपिक किसके लिए पढ़ा? शेल, सेकंड सब शेल, थर्ड ऑर्बिटल। चलो देखते हैं क्या इसमें थर्ड में बेटा। फर्स्ट लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M, ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय M। नंबर टू बेटा, हर क्वांटम नंबर में हम कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करते ही है, तो बेटा याद रखना, डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन। एक बात याद रखना बच्चों, डायरेक्शन का मतलब ये हुआ, आपकी बुक में डायरेक्शन नहीं लिखा हुआ, इतना आसान वर्ड, आपकी बुक में लिखा हुआ ओरिएंटेशन।
ठीक है, सिंपल वर्ड्स मैंने यूज किया है, डिस्क्राइब द डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताओ, अभी अभी हमने पढ़ा था एस कितने, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। पी में ऑर्बिटल्स कितने, रूम कितने, थ्री। डी में कितने रूम्स हैं, मतलब ऑर्बिटल कितने, फाइव। और एफ में बेटा सेवन। अच्छा एक बात बताओ, हम घर के बाहर निकलते हैं, रोड पे जाएं, जितने रास्ते होते हैं उतनी डायरेक्शन होती है ना। एक रास्ता अगर लेफ्ट पे जा रहा है, एक राइट पे जा रहा है, जितने रास्ते होंगे उतनी डायरेक्शन। एक किसी भी घर में इंटर होते हैं, जितने रूम्स होंगे उतनी डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ बेटा, जितने ऑर्बिटल्स होंगे डायरेक्शन भी उतनी होगी। ये भी एमसीक्यूज याद रखना। मिसाल के तौर पे अगर वहां से कहें एस ऑर्बिटल में कितनी ओरिएंटेशन से, तो आप कहोगे एक, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। पी में बेटा कितनी ओरिएंटेशन होगी, तीन, क्योंकि ऑर्बिटल तीन है तो ओरिएंटेशन भी तीन, डायरेक्शन भी तीन। एफ अगर डी में पूछे तो पांच, क्योंकि ऑर्बिटल पांच है तो डायरेक्शन भी पांच। एफ में कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए बेटा, एफ में सेवन, तो ओरिएंटेशन भी सेवन होगी, फोर फाइव सिक्स सेवन। जितने ऑर्बिटल होंगे उतनी डायरेक्शंस, मतलब उतनी ही ओरिएंटेशंस होंगी। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा अब एक चीज हम ये लिखते हैं भाई, जितने रास्ते उतनी डायरेक्शन। एस एक ऑर्बिटल पे कंसिस्ट कर रहा है, एक डायरेक्शन है। पी में तीन ऑर्बिटल है, तीन डायरेक्शन। डी में पांच ऑर्बिटल है, पांच डायरेक्शन। और एफ में सेवन ऑर्बिटल्स है, सेवन डायरेक्शंस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। नंबर थ्री, नंबर थ्री, वहां पे क्या लिखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी पे डिपेंड करता है? नहीं, एज्यूम तो क्वांटम नंबर डिपेंड कर रहा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। और बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर याद रखना, एम डिपेंड्स अपॉन एल। मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, एल पर, एज्यूम क्वांटम नंबर पर। अब आप बोलोगे सर क्यों डिपेंड कर रहा है, क्या वजह है? क्योंकि बेटा जो L वैल्यू होगी वही हमें M वैल्यू रखनी है, जो L वैल्यू होगी वही हमें M वैल्यू रखनी है। देखो S की L वैल्यू क्या निकाली थी हमने, जीरो। P की क्या निकाली थी अभी पिछले टॉपिक में, वन। D की L वैल्यू टू और F की थ्री। चलो नहीं समझ आ रहा, एक आसान तरीका बताऊं। मैं अगर आपसे कहता हूं बेटा मेरे पास ये तीन पेंसिलें हैं, मुझे इन तीन पेंसिल के कोई नाम रखने, तो आपसे कहूं बेटा सजेस्ट करो नाम क्या होने चाहिए। आप कहोगे सर इसका नाम रख दें ए, इसका रख दें बी, इसका सी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे नहीं सर इसका नाम रख दें एक्स, इसका वाई, इसका जेड। मैं कहूं बेटा मुझे अल्फाबेट्स में नहीं रखना, मुझे नंबरिंग में रखना है, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका वन रख दें, टू रख दें, थ्री रख दें। नहीं, मैं कहूं नहीं, मेरी मर्जी से नाम रखें, वन से आगे ना जाए इसका नाम रखें। बोलेंगे सर वन से आगे ना जाएं, पीछे की कोई लिमिट नहीं की है, वन से आगे नहीं जाना, तीनों पेंसिल्स का नाम रखना है। तो एक कहेगा सर इसका नाम जीरो रख दें, इसका प्लस वन रख दें, इसका माइनस वन रख दें। देखिए वन से आगे भी नहीं गए और तीनों पेंसिल्स के नाम भी रख दिए। यही सेम सिचुएशन ये है, वो कह रहा है जो इनकी एज़ीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यू हो उससे आगे ना जाए और एम वैल्यू के नाम भी रखें। मतलब देखें P की L वैल्यू 1 है, अब 1 से आगे नहीं जाना, तीनों ऑर्बिटल्स के नाम रखने, तो कोई मसला नहीं, इसका नाम रख देने 0 प्लस 1 माइनस 1। अब आप देखते होंगे बुक में, पता नहीं है 0 प्लस 1 क्या नंबर दिए हुए, ये ऑर्बिटल्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है, और हम इसको रट्टा लगाते हैं। आज के बाद रट्टा ही खत्म, खुद बनाए नंबर। भाई D की L वैल्यू 2 है, मतलब 2 से आगे नहीं जाना, पांचों ऑर्बिटल्स के नाम रखने, रखें क्या रखेंगे, 0 प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू। एफ की एल वैल्यू थ्री, अब थ्री से आगे नहीं जाना, सबके नाम रखने, रख दो जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री। क्लियर, खुद बना रहे। एस की एल वैल्यू जीरो, जीरो से आगे नहीं जाना, नहीं जाते, एक ही तो ऑर्बिटल है, नाम ही जीरो रख लेते हैं, डायरेक्शन ही उसकी जीरो रख लेते हैं। समझ में आ गई, तो जो एल वैल्यू होगी उससे आगे नहीं जाना, उसके एम वैल्यू के नाम रखने। क्लियर हो गई बेटा, याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर, एक दो एमसीक्यूज पूछूं आपसे, मिटा दूं उसको। तो बेटा आज के बाद हम आप लोगों को एम वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपसे कहा जाए एम वैल्यू ऑफ डी ऑर्बिटल
आपसे कहा जाए m वैल्यू ऑफ d ऑर्बिटल को याद नहीं करना, तरीका बताऊं क्या करेंगे, m वैल्यू ऑफ d ऑर्बिटल पूछा है तो d की l वैल्यू क्या है, पहले तो बताएं d में ऑर्बिटल कितने होते हैं, आप रफ में लिख लें 1 2 3 4 5, लिखा d की l वैल्यू क्या है 2, अब 2 से आगे नहीं जाना, सबके नाम रखो तो 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2, जरूरत ही नहीं है याद करने की, ज्यादा से ज्यादा वो इस तरह दे देगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, बात तो एक ही है, लेकिन अगर आपको वैल्यू दी गई हो, सही है, द m वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 फॉर डैश ऑर्बिटल, ये m वैल्यू किसकी है, तो कोई मसला नहीं है, खुद बता देंगे, देखें 0 लिखा हुआ है मतलब एक वैल्यू हो गई, लाइन डालते हैं, प्लस 1 का मतलब दूसरी वैल्यू, दूसरी लाइन डालते हैं, माइनस 1 का मतलब तीसरी वैल्यू, लाइन डाल दें, कितनी लाइनें ड्रॉ हुई, 3, 3 ऑर्बिटल किस में होते हैं, p में, मसला हल, क्लियर, ना हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, अब ये m वैल्यूज हम खुद भी बना सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, क्लियर हो गई बात बेटा, इसी के साथ हम करते हैं थर्ड आता है, फोर्थ आता है स्पिन क्वांटम नंबर, क्या आता है स्पिन क्वांटम नंबर, अब स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट वो तो वैसे ही सबको पता होगा बेटा, कोई इतना मुश्किल नहीं है, स्पिन क्वांटम नंबर में हम क्या कहते हैं, डिस्क्राइब स्पिन क्वांटम नंबर में क्या करते हैं बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर में हम कहते हैं डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या फाइंड करते हैं, डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता है तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, सबको पता है, क्लॉकवाइज, सही है, सॉरी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ही है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सिंथ में घूमना इलेक्ट्रॉन का, और एंटी क्लॉकवाइज उस घड़ी की अपोजिट मूवमेंट उसकी, आपको पता है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, ठीक है, रिप्रेजेंट इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, ये तो सिंपल है एमसीक्यूज, ये तो आप वैसे ही कर लेंगे, ये तो इतना मुश्किल टॉपिक भी नहीं है, बहुत आसान है, इस पर इतना ज़्यादा ब्रीफ करने की जरूरत भी नहीं है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सेम होता है, इस तरह से मूवमेंट रहती है, जब ऊपर आते हैं सेम चार्जेस रिपल्जन की वजह से वापस नीचे, नीचे आते हैं रिपल्जन की वजह से वापस ऊपर, तो ये बेटा क्वांटम नंबर कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन मुश्किल क्या है कि जब आप मेरी शीट सॉल्व करें, अच्छा थोड़ा सा बेटा मैं बिजी हूँ अपने सेमिनार्स वगैरह के चक्कर में, बहुत ज़्यादा ट्रबल बिजी हो गया हूँ, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं सर कीज़ कहाँ है, कीज़ कहाँ है, वो कुछ की कीज़ हैं कुछ की नहीं है, तो ये डेज मुझे सिर्फ छोड़ दें आज, सही है, हम ये जो 27 अगस्त है ना, 27 अगस्त तक हमने जो लेक्चर कर रहे हैं करने दें मुझे, और जो शीट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ करने दें, 27 अगस्त तक जितनी शीट्स मैं आपको सेंड कर दूँ, फिर उसके बाद आप मुझे एक नंबर पर व्हाट्सअप कर दें कि सर ये शीट्स आपने दी हैं, 15 हो गई, 18 हो गई, 20 हो गई, फिर उनकी कीज़ जो है ना मैं एक साथ आपको सेंड कर दूंगा, परेशान ना हो, 27, 28, 29 अगस्त तक मैं आपको ये 3 दिनों में तमाम शीट्स की कीज़ भी सेंड कर दूंगा, इसकी कोई टेंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई यहाँ तक बात बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पर, इसको हम वाइंड अप करते हैं, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।